दोस्तों, थॉर लव एंड थंडर एक ऐसी मूवी है जिसके लिए ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। जितनी एक्साइटमेंट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्पाइडरमैन 3 के लिए है, उतनी ही एक्साइटमेंट थॉर 4 के लिए भी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से इसकी कई फोटो सामने आ रही है और अभी कल की डेट में नैटली पोर्टमैन की फोटो आई है, जिससे ये पता चलता है कि फाइनली उनके पास भी थॉर की पावर्स आ गई है। तो आज हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे पावर्स आने के बाद वो क्या कर सकती हैं, और ये भी जानेंगे कि थॉर और गॉड द गॉड बुचर की फाइट पहले भी हो चुकी है कि नहीं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट थॉर वेपन कौन है, म्योनेर के स्टॉर्म ब्रेकर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस फोटो से। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी टाइम से वर्कआउट किया है। अब जाहिर सी बात है, अगर इनके पास थॉर की पावर्स आ रही है तो इनको थॉर जैसा स्ट्रांग दिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वर्कआउट करेंगे। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी में इनको कैंसर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी बीमार होंगी। लेकिन अचानक कॉमिक बुक की तरह इसे एक बार थॉर का हैमर मिल जाएगा, जिसकी वजह से जब ये थॉर का हैमर उठाएंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इनके पास थॉर की पावर्स आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, वही जैसे ही हैमर को वापस रख देंगी, ये वापस और बीमार हो जाएंगी। यानी दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमिक बुक की बात करें तो एंड में क्या हो जाता है, जेन फॉस्टर की डेथ हो जाती है, लेकिन थॉर ओडिन से कहके जेन फॉस्टर को फिर से जिंदा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि म्योनर कैसे आएगा, क्योंकि अगर हम लोग जितने भी फैन थ्योरी लगा ले, होगा वही जो मार्वल के स्क्रिप्ट में लिखा होगा। इसलिए दोस्तों, फिर भी कुछ फैन थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पुरानी फैन थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि लोकी म्योनर लेके आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग कुछ लॉजिकल बात करें तो वो हो सकता है कि एट्री यहाँ पर जेन फॉस्टर के लिए एक नया म्योनर बना दे। अब यहाँ पे रही बात इंचैंटमेंट की, तो इसमें इंचैंटमेंट थॉर भी कर सकता है, अगर उसने एसगार्डियन मैजिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए थॉर के पास ओडिन जितनी पावर नहीं है, यानी कि थॉर रैग्नारॉक में तो दिखाया गया है कि थॉर ओडिन से भी ज़्यादा पावरफुल है, ओडिन ने ऐसा थॉर से खुद कहा है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए थॉर वैसा इंचैंटमेंट नहीं कर पा रहा, तो उसके पास एक और ऑप्शन होगा। आप लोग को याद होगा थॉर रैग्नारॉक मूवी में हेलन ने जब म्योनर को ब्रेक किया था तो अभी भी उसके पार्ट अर्थ पे ही थे, उसके बाद उसका क्या हुआ ये सब नहीं बताया गया। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर वो म्योनर टूट चुका है तो यहाँ पे लोग अगर उस म्योनर को उठाने जाएंगे तो क्या वो उस टुकड़े को उठा पाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इंचैंटमेंट की तो हो सकता है म्योनर के टूटने के बाद भी वो इंचैंटमेंट उस पर बना हुआ हो, जिसकी वजह से ऐसे पॉसिबल ना हो कि म्योनर को उठाना। अब यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं थॉर की, ये कैसे काम करेगा। यानी दोस्तों, अगर थॉर चाहे तो वही म्योनर के पुराने टुकड़ों को ले जाके एट्री को दे देगा, क्योंकि उन टुकड़ों में अभी भी ओडिन का मैजिक है, और एट्री उस टुकड़ों को मेल्ट करके एक नया म्योनर बना देगा। जिससे क्या होगा, जैसे म्योनर सामने आएगा ओडिन का मैजिक अभी भी उस पर रहेगा, तो इस हिसाब से पुराना हैमर नया हैमर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी पुरानी पावर्स के साथ। इससे फिर जेन फॉस्टर वो म्योनर वेल्ड कर लेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कॉमिक बुक की तरह अगर जेन फॉस्टर म्योनर उठाती है वर्दी हो जाती है तो क्या थॉर अनवर्दी होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एवेंजर्स एंड गेम में ही हो जाना चाहिए था। यानी कि दोस्तों, जब थॉर रॉकेट के साथ टाइम ट्रेवल कर रहा था तो म्योनर बुलाने की कोशिश करता है और म्योनर उसके पास आ जाता है, यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद थॉर कभी अनवर्दी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, इस मूवी में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि थॉर वर्दी था, है और रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फैन समझेंगे ऐसा थॉर ने क्या गलती किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ। मेरे हिसाब से म्योनर का मेंटल बस पास हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फैंस देखें तो यहाँ पे एक टाइम पे दो थॉर हो चुके हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए कैप्टन अमेरिका के पास भी थॉर की पावर्स आई थी और इसमें थॉर कभी अनवर्दी नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से यही लॉजिक थॉर 4 में भी काम आएगा। अब मान लीजिए जेन फॉस्टर वर्दी हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो थॉर के पास इतनी पावर होगी कि वो उसे वापस ले आए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी थॉर एसगार्डियन मैजिक को समझ रहा है। यानी दोस्तों, अगर उसकी पावर ओडिन के बराबर की है लेकिन उसकी नॉलेज ओडिन जितनी नहीं है, तो उसे नॉलेज इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग बात करें अगर वांडा मैक्सिमॉफ की, तो उसके पास भी बहुत अच्छी पावर है जो कि सॉकर सुप्रीम से भी ज़्यादा है, लेकिन जब तक उसके पास एफिशिएंट नॉलेज नहीं होगा वो उस पावर का यूज़ नहीं कर सकती है। दोस्तों, हम लोग एंड में समझ गए थे कि वो डार्क होल्ड बुक पढ़ के अपनी पावर को समझ रही है और ये जान रही है उस पावर से क्या कर सकती है। उसी तरह दोस्तों, हो सकता है थॉर के साथ भी ऐसा हो। थॉर के पास जितनी भी नॉलेज हो वो अभी और बढ़ेगी, और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है वो इंचैंटमेंट करना भी सीख ले, जैसे कि ओडिन ने किया था एक बार थॉर के ऊपर।
लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हैं अब गॉर द गॉड बुचर की, कि कैसे ये थॉर से बहुत पहले भी फाइट कर चुका है। आप लोग को तो याद होगा ना थॉर की एज कितनी है और यहाँ पे थॉर कितने सुपर विलेन से फाइट किया होगा, तो यहाँ पे ओडिन ने उसके बारे में थॉर को ज़रूर बताया होगा। और यहाँ पे थॉर का सामना एक बार से हुआ भी होगा जिसमें वो थॉर से हार भी गया होगा, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा वेपन नहीं था जो थॉर के वेपन का सामना कर सके। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है, उसके पास आ गई है नेक्रोसॉर्ड। मैं यहाँ पे नेक्रोसॉर्ड को ना तो मियोनिर से कंपेयर कर रहा हूँ ना ही स्टॉर्म ब्रेकर से, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो नेक्रोसॉर्ड है वो एक तरह की गॉड किलर सॉर्ड है। अगर हम लोग उसकी हिस्ट्री समझेंगे तो उस सॉर्ड से सेलेशियस तक का एंड हो चुका है। यानी दोस्तों अगर वो सॉर्ड का यूज़ थॉर के ऊपर होता है तो क्या थॉर का भी एंड हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें आने वाली एवेंजर्स मूवी की तो यहाँ पे भले मेन एक्टर्स चले गए हैं जैसे कि आयरन मैन, ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, लेकिन अभी भी बाकी 3 सुपर हीरो बचे हैं। अब यहाँ पे एक बात हो रही थी कि ब्लैक विडो का मेंटल उसकी बहन ले लेगी, यानी कि यहाँ पे येलेना नई ब्लैक विडो बन जाएगी। उसी तरह दोस्तों हो सकता है थॉर भी अपना मेंटल जेन फॉस्टर को दे दे, लेकिन फैंस को इससे कुछ खास खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि फैंस थॉर को फिर भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना चाहेंगे। और यहाँ पे जैसे कि प्रोफेसर हल्क अपना मेंटल शी हल्क को दे देंगे, हॉकाई अपना मेंटल केट बिशप को दे देगा, तो धीमे धीमे जितने भी पुराने सुपर हीरो थे वो सब नए सुपर हीरो बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऑडियंस को भी थॉर से ये उम्मीद है कि थॉर आगे जाके तब भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रहेगा, और क्रिस हेम्सवर्थ भी ऐसा ही चाहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग फैंस की बात पर ध्यान दें तो उनकी नज़र में एक पुराना एवेंजर तो रहना ही चाहिए जो कि आगे जाके एवेंजर्स 5 में भी हम लोग को दिखाई दे। हाँ मान लीजिए कुछ टाइम बाद हॉकाई चला जाएगा, हल्क भी जा सकता है, लेकिन थॉर हमेशा रहेगा। वैसे दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं, आप थॉर को हमेशा देखना चाहते हैं क्या, फीमेल थॉर ही पसंद करेंगे? मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो सब थॉर को वापस देखना चाहते होंगे। और यहाँ पर दोस्तों थॉर का रहना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे वो गॉड द गॉड बुचर को डिफीट करेगा उसके पास ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड आ जाएगी, जो बाद में जाके वो गैलेक्टस पे यूज़ भी कर सकता है, और सिर्फ किंग थॉर ही ऐसा काम कर सकता है। हाँ माना कि अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे कई सुपर हीरो हैं जो गैलेक्टस से सामना कर सकते हैं, और कुछ नए सुपर हीरोस आ भी रहे हैं, लेकिन थॉर की बात ही कुछ और है। तो मेरे हिसाब से थॉर को हमेशा के लिए इस यूनिवर्स में रहना चाहिए। रही बात कुछ नए सुपर हीरो की जो जेन फॉस्टर के थॉर की तरह वर्दी हैं, लेकिन उनके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, तो वो है बेटर एबिल। रेफरेंस हम लोग को थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिला था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग को थॉर के वो 4 पार्ट में दिखाई दे। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 11 थंडर मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे यूनिक सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।